बड़ा मामला बंगाल से, कोयला तस्करी का, ममता के भतीजे के घर पहुंची सीबीआई की टीम, अभिषेक की पत्नी से करेगी पूछताछ। आज की बड़ी खबर, भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर किए हस्ताक्षर, खुलेगी एक नई पहल। बात भारत की राजधानी दिल्ली की, पीएफआई के शाहीन बाग कार्यालय पर यूपीएसटीएफ का छापा, गहनता से करी जा रही है पूछताछ। कोरोना की दस्तक लगातार, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर आज किया जाएगा फैसला, जनता को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। घर के ही 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम से मुलाकात करने पहुंचा रामपुर जेल उनका बेटा। यूपी के प्रयागराज में बसवारा गांव पहुंची कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, मछुआरा समाज की महिलाओं ने रो रो कर सुनाई अपनी दास्तान, पुलिस ने घर में घुसकर औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा, ऐसा है आरोप। यूपी में कृषि कानून के विरोध का एक नया तरीका आया सामने, किसान ने नष्ट करी अपनी 5 बीघा फसल, पश्चिमी यूपी से आ रही है यह बड़ी खबर। बात करें यूपी में हुए अजीत सिंह हत्याकांड की, तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह फरार, भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क कर सकती है पुलिस। भारतीय नोटों पर हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज। यूपी के सीतापुर जिले में हरगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरजनपदीय अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़, एक अभियुक्त समेत बड़ा जखीरा भी किया गया है बरामद। यूपी के देवरिया से खबर, अवैध शस्त्र के साथ सोशल मीडिया पर कुछ युवकों का वीडियो हुआ वायरल, अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे के पैर पर कार का पहिया चढ़ने से गुस्साई महिला ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा, बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ने के बाद खड़ा हुआ विवाद, महिलाओं ने किया जमकर हंगामा, घटना मेला रामनगरिया क्षेत्र की। यूपी के गोरखपुर में 2 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामला गोरखपुर के सहजनवा पुलिस का, हरियाणा निर्मित करीब 41,000 की अंग्रेजी निर्मित शराब करी गई है बरामद। यूपी के देवरिया जिले के एकौना थाना अंतर्गत एक अज्ञात महिला का शव हुआ बरामद, छत विच्छेद हालत में था शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू करी है पूछताछ। यूपी के शाहजहांपुर का मामला मचा हड़कंप, हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से माँ बेटा और बेटी तीनों लोग झुलसे, बेटी की हुई मौके पर ही मृत्यु। यूपी के बुलंदशहर का मामला, नहर में गौवंश अवशेष पड़े होने की सूचना पर पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, अवशेषों को नहर से गया निकाला। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर, 25 लाख की अफीम के साथ तस्कर किया गया गिरफ्तार, थाना कटरा पुलिस को मिली यह एक बहुत बड़ी कामयाबी। रुख करेंगे झारखंड की तरफ, लातेहार के बालूमाथ से खबर, पाकी मार्ग से जुड़े बाईपास पीसीसी रोड जर्जर, कोई भी सुधर लेने को नहीं तैयार, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, कहना है मुश्किल। झारखंड के पलामू से खबर, रिमझिम उज्जवल एचपी गैस गोदाम में गैस लीक होने से लगी आग, 5 मजदूर झुलसे, 2 मजदूरों की हालत है गंभीर। बात करिए छत्तीसगढ़ की, तो कोरिया जिले से खबर, शासन के आदेश जारी होते ही प्रारंभ हुई शिक्षा, 10वीं व 12वीं के बच्चों के स्कूल गए खोले, 15 फरवरी से करा जा रहा है शिक्षा कार्यक्रम। बात करें छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की, तो जनकपुर क्षेत्र में एक ऐसा गांव जहां छात्र है उपस्थित परंतु एक भी शिक्षक नहीं, अभी तक कोई भी सुध लेने को नहीं तैयार। मामला बिहार के सुपौल जिले का, त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत गोनहा पंचायत के पुरडाहा एवं लतोन उत्तर पंचायत, रंजीत रंजन क्षेत्रीय दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कर रही है मुलाकात। कश्मीर के त्राल क्षेत्र का मामला, उप जिला अस्पताल डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञों की कमी कर रही है लोगों को परेशान। उड़ीसा के ढेंकनाल से बड़ी खबर, मेरा मुंडली ओपीटीसीएल ग्रिड सब स्टेशन में लगी भयानक आग, 2 घंटे से ज्यादा समय से यह अग्निकांड था जारी, 10 दमकल की गाड़ी पहुंची आग बुझाने को। बात करें मनोरंजन की, तो करीना ने दिया जब बेटे को जन्म, तो सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स बोले तैमूर की पॉपुलैरिटी है खतरे में।